आपने तो माइंड बना के यूके रहना, लेकिन यूके वालों ने ये नहीं सोचा कि उन्होंने आपको रखना है या नहीं रखना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुदस्सिर वंस अगेन, और आज बात करनी है यूके के हवाले से, स्पेशली जो लोग रिसेंटली यूके मूव हुए हैं उनके हवाले से। पहला क्वेश्चन कि मुझे यूके के हवाले से बात क्यों करनी है और आपको मेरी बात सुनने की क्या ज़रूरत है। मैं यूके में चूँकि 6 साल गुजार चुका हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ों के हवाले से एक्सपीरियंस है, लेकिन आज स्पेसिफ़िकली सेटलमेंट के हवाले से बात करूँगा। आपको भी वो एक्सपीरियंस अगले 4, 5, 6 सालों में हो सकता है, लेकिन उस वक्त वो एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उस वक्त टाइम गुजर चुका होगा। आपको जो बातें अगले 4 से 5 साल में पता लगेंगी, वो आपको आज पता होना ज़रूरी है, ताकि आप उसका सोल्यूशन निकाल सकें। रिसेंटली यूके ने बहुत ज़्यादा वीज़े इशू किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी, चाहे कोई भी हो, इंडिविजुअल या फैमिली वाले बंदे, काफ़ी ज़्यादा यूके में मूव हो रहे हैं और स्टिल हो रहे हैं। एक बात जो कि तकरीबन हर पाकिस्तानी ने सुन रखी होगी कि गोरा जो है वो अगले 100 साल की प्लानिंग करके चलता है। 2009 और 10 में भी यूके ने बहुत ज़्यादा वीज़े इशू किए थे, स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा। इवन आप जान के हैरान होंगे कि उस वक्त एक मैट्रिक पास बनने का भी स्टूडेंट वीज़ा इशू हुआ, और मज़े की अगली बात के प्रोग्राम क्या था, उस कौन सा प्रोग्राम जिसमें वो एडमिशन लेते थे, ई सोल। 1 साल का ई सोल का प्रोग्राम होता था, जिसमें मैट्रिक वाला बंदा एडमिशन लेता था और उसका वीज़ा भी इशू हो जाता था। यूके में किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एक मिडिल क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास का बंदा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो एडमिशन नहीं ले सकता। तो 2009-10 में फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट वीज़े पे कैसे गए कि वहाँ पे मौजूद यूके में पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली लोगों ने प्राइवेट कॉलेज बनाए हुए थे, जो बहुत कम फीस में आपको कैश इशू कर देते थे और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको वीज़ा सिस्टम कर देते थे। जब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वीज़े इशू कर दिए, उसके ठीक 1 या 1.5 साल बाद उन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू किया। क्रैक डाउन कैसे किया कि पहला सबसे काम उन्होंने किया कि उन्होंने जितने प्राइवेट कॉलेजेस थे उनके लाइसेंस रिवोक करना शुरू किए। हर कॉलेज में वो छोटा भी होता था तो 400 से 500 स्टूडेंट तो होते थे मिनिमम। अब एक लाइसेंस रिवोक किया और 400 से 500 स्टूडेंट रोड पर आ जाता था। उसके पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो 60 डे के अंदर किसी नए कॉलेज में एडमिशन ले ले, या वो यूके छोड़ दे। अब हर स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा होता नहीं था कि वो उसको कोई अच्छा कॉलेज एडमिशन दे दे, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। और दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, फ़ी अफोर्ड कर सके। तीसरा ऑप्शन ये था कि जो यूके छोड़ने वाला, मोस्टली लोगों ने वही अवेल किया और उन्होंने यूके छोड़ के वो यूरोप में भाग गए सारे। बहुत बड़ी तादाद उस वक्त यूके छोड़ के यूरोप में भाग गई। मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात करूँ, बाकी इंडियन बंगालियों ने भी यही किया था, सबको यही एक बेटर सोल्यूशन लगा। उस वक्त क्या था कि यूके वालों ने उस वक्त भी प्री प्लान किया होता, उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी थी। वीज़े किसने इशू किए, उन्होंने खुद इशू किए, मैट्रिक वाले बंदे को भी वीज़ा इशू किया, स्टूडेंट वीज़ा। प्राइवेट कॉलेजेस को लाइसेंस किसने दिए, उन्होंने खुद दिए। फिर उसके बाद उन्होंने लाइसेंस रिवोक खुद किए, स्टूडेंट को खुद पकड़ा, उनको डिपोर्ट किया, सब कुछ किया। उन्होंने सारा कुछ प्री प्लान करके रखा हुआ था कि हमने कब क्या करना है। हमारा क्या होता है, हमने सिर्फ ये प्लानिंग की होती है कि जी हमने यूके पहुंचना है। जब हम यूके पहुंच चुके हैं तो उसके बाद क्या होना, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता हमने क्या करना है और कैसे करना है। हमारी प्लानिंग तो बस यूके पहुँचने तक होती है। तो अभी जो यूके बहुत ज़्यादा वीज़े इशू कर रहा है, अभी भी उन्होंने प्री प्लान करके रखा है, उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी की हुई है, लेकिन आपकी प्लानिंग कोई नहीं। अगर आपके पास को अपना प्लान बी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप अपना प्लान बी बना के रखें। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो ये वीडियो आप देखें, इसमें मैं आपको प्लान बी बता रहा हूँ। जितने भी बंदे इस वक्त यूके में रिसेंटली मूव हुए, उनमें से 15-20% बंदे होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे, सेटलमेंट हो पाएंगे। बाकी 80% बंदों को यूके ने निकालना है, वो किसी तरह भी निकाले। अभी रिसेंटली भी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं और मज़ीद आगे रूल चेंज हो गए और मज़ीद स्ट्रिक्ट काफ़ी सारी चीज़ें वो करेंगे, वो आपको सेटलमेंट नहीं देने वाले। 80-85% बंदों को उन्होंने निकालना है, ये तो तय है, उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी की होती है। अब आपकी प्लानिंग क्या है, आप अपना प्लान बी ये रेडी करें कि आयरलैंड, आपने सुना होगा नाम, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा यूके को एलिब्रेट कर दूं। मुखफ़ तो अक्सर बंदों को पता होगा यूनाइटेड किंगडम, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सी स्टेट्स हैं ये अक्सर बंदों को नहीं पता होता, बहुत कम बंदों को पता होता है।
इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चार स्टेट्स हैं जो कि मिलके यूके बनता है। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आप अगर मैप पे देखेंगे तो वो यूके से थोड़ा सा हट के है, बीच में थोड़ा सा समंदर है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड है। नॉर्दर्न एक ज़मीन का छोटा सा हिस्सा है, उसी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि एक अलग से मुल्क है आयरलैंड, वो सिर्फ आयरलैंड है, वो अलग से कंट्री है जो कि यूरोप के साथ जिसका इलाका है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा जो कि यूके के साथ उनका इलाका है। आपने क्या करना है, आपने आयरलैंड का वीज़ा लेना है। जब आपका आपके पास यूके में आप रह रहे हैं, आपके पास यूके का वीज़ा है, तो आयरलैंड का वीज़ा इजीली विजिट वीज़ा तो लग ही जाएगा, वो बिल्कुल साथ है क्योंकि यूके के। तो आपने आयरलैंड का वीज़ा लेना और एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्रैवल करना है, और वहाँ पे आप कोशिश करेंगे जब आप दो से तीन दफ़ा अगर विजिट वीज़ा लेंगे ना तो वो आपको तीन से ये साल का या पाँच साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा इशू कर देंगे, या उसके अलावा भी वो वहाँ पे वीज़ा कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे कंट्रीज़ तो बहुत सारे हैं यूरोप में, मैं आयरलैंड की ही क्यों बात कर रहा हूँ, एक तो यूके के बिल्कुल करीब है, दूसरा आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने अगर दो तीन चार साल गुजारे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जो इन्वायरमेंट है। आयरलैंड क्योंकि यूके के बहुत करीब है, वहाँ पे भी गोरे ही रहते हैं, तो वो सिमिलर इन्वायरमेंट होगा, मिलता जुलता आपको इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो वहाँ पे भी इंग्लिश स्पीकिंग है सब कुछ, तो आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा अलग से एक चीज़ नहीं फील होगी जो अगर आप किसी और कंट्री में जाएँ जो इंग्लिश नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, आपको फिर ज़ीरो से सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होने वाला है वहाँ पे। इसलिए आयरलैंड पहली वजह ये कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और इन्वायरमेंट भी यूके। दूसरा ऑप्शन ये कि अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह या बहन भाई यूके में रहते हैं तो वो ईज़िली आपको विज़िट कर सकेंगे आयरलैंड क्योंकि करीब है। तीसरा सबसे अहम ऑप्शन कि आयरलैंड की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो बहुत सॉफ्ट है, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, और उससे भी अच्छी बात कि वहाँ पे वीज़ा कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं। इवन ये जान के आप हैरान होंगे, वहाँ पे अगर आप अपने दीन की तबलीग करना चाह रहे हैं, फर्स्ट करें अगर आप इस्लाम की तबलीग करना चाह रहे हैं आयरलैंड में, तो इस बेस पर भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक वीज़ा कैटेगरी है आयरलैंड में कि आप इस्लाम की तबलीग करने के लिए आयरलैंड आना चाहते हैं तो आपको वीज़ा इशू कर देंगे। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा वीज़ा कैटेगरीज हैं कि ईज़िली आप किसी न किसी कैटेगरी में ज़रूर फॉल कर लेंगे, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, और इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत आसान है। पिछले कुछ महज चार से छः महीने पहले भी आयरलैंड काफ़ी न्यूज़ में था कि वो आपको 92,000 यूरो आपको देंगे अगर वहाँ पे आप जो उनके रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे आप अगर आके रहें तो आपको पैसे भी देंगे। तो आयरलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो यूके में आपको अभी से बता रहा हूँ कि वो आपको जितने भी अभी वीज़े इशू हैं वो सबको सेटलमेंट नहीं देने वाला, कभी भी नहीं देगा। वो सिर्फ 20% बंदे होंगे जो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाएंगे सेटलमेंट के लिए, बाकी सबको उन्होंने निकालना है। तो आप अभी से अपना प्लान बी रेडी रखें, स्पेशली मैं उन बंदों को कह रहा हूँ जो फैमिलीज़ पे मूव हुई हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान से उन्होंने सब कुछ अपनी कश्तियाँ जला के वो यूके चले गए, हमने यूके ही रहना है। आपने तो माइंड बना के यूके रहना, लेकिन यूके वालों ने ये नहीं सोचा कि उन्होंने आपको रखना है या नहीं रखना है। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जो फैमिलीज़ ऐसी हैं अगर उनको तीन चार पाँच साल बाद इस तरह के हालात का सामना करना पड़ गया कि यूके से आपने निकलना है, तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। आयरलैंड उसके लिए बहुत सूटेबल कंट्री है आपके प्लान बी के तौर पे। तो आप इस हवाले से लाजमी सोचें और अभी से इस हवाले से इस पे काम करना शुरू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।